सक्सेसफुली 1000 किलोमीटर राइड हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये तो बात शुरुआत है, और भी बड़ा बड़ा राइड होने वाला है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में क्या दिया है। एक अंडा, बॉयल अंडा, पूरी और ये सब्जी। तो बहुत ही अच्छा खाना दिया, यहाँ पे सर्विस भी बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, एक क्लास सर्विस है। अब हम लोग जब से आए यहाँ पे, जितना बार हम लोगों ने चाय मंगाया कुछ भी हो, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बन फायर किया, वो भी उन लोगों ने अरेंज करके दिया था, तो बहुत ही बढ़िया अरेंज करके दिया। तो ये भाई ने काफ़ी अच्छा सर्विस दिया हम लोग को। आपका नाम क्या था? मेरा नाम बाबू। बाबू परजा। तो भाई ने काफ़ी अच्छा सर्विस दिया, थैंक यू भाई। फिर से आएंगे तो भाई तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। तो बहुत ही अच्छा सर्विस दिया हम लोग को। तो अभी हम लोग अपना बाइक को वार्म अप कर लिया ऑलरेडी, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग ऐसे मानस से निकलेंगे और हम लोग अभी जाएंगे गुवाहाटी। और गुवाहाटी का रास्ते में शायद एक कुछ लेक वगैरह है, तो उसमें जाएंगे, तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। उसके बाद गुवाहाटी जाएंगे, उसके बाद फिर से गुवाहाटी में थोड़ा सिटी में इधर उधर घूमेंगे। और कामाख्या टेम्पल में जाना है हम लोग को शाम को, वहाँ पे जाएंगे और माता का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग होटल में जाएंगे और सुबह मॉर्निंग को हम लोग निकल जाएंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए आगे तक। आज का दिन देखिए, आज डे 3। तो आई होप आप लोग को आज अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने आगे तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, नहीं तो आपको वीडियो जो आप वीडियो में डालता रहता हूँ अपडेट नहीं मिलेगा। और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो, बाइक वाले राइडर है मेरा, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर लो। और टेंशन मत लो, मैं फॉलो बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, फर्स्ट ख़त्म कर लिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने मतलब दोपहर को खाया, रात को भी यहाँ पे खाया और सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया। वो रहा हम लोग का रूम, आप देख सकते हैं, सेकेंड में फोकस कर लेता इसको। ये देखिए यहाँ पे हम लोग थे, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे रेस्टोरेंट से। यहाँ पे वेदर तो अब क्या बोलूँ आपको, बढ़िया वेदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हरियाली है। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मतलब क्या लगा आपका, जो ऑक्सीजन लेवल है ना बहुत ज़्यादा है, उससे काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बाइक हम लोग का, दो बाइक इधर है और दो बाइक इधर है। तो यहाँ पे सब बाइक को हम लोगों ने मतलब रख दिया। तो वार्म अप करना ख़त्म हो चुका है अभी, तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा देर में। तब देख सकते यहाँ पे मतलब क्या है, अब देखिए देखिए ये फ्लावर्स देखिए कितना खूबसूरत है, देख सकते आप देखिए कितना सुंदर फ्लावर्स, बढ़िया लग रहा है ना। तो अभी हम लोग जाएंगे रूम में। आप ये लोग अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ जाके, क्योंकि मुझे जैकेट वगैरह, ये जैकेट को तो पहन के नहीं जा सकता मैं, राइडिंग जैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, तो उसको लगाना है मुझे और बाकी सब करना है। तो आओ मेरे साथ, ये रहा हम लोग का। तो अभी जा रहे हैं हम लोग क्या, मैं जा रहा हूँ, मैं तो रहा। तो हम मैं कोयल पे स्टे किया था और दीपेश और क्या बोलते हैं कुछ पे दू हॉर्नबिल में स्टे किया था। तो दोनों सेम ही रूम है, तो अलग अलग नाम है बस उतना ही। तो हम लोग का पैकिंग भी लगभग हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये रहा मेरा बैग जो मतलब पैकिंग हो चुका है, और ये रहा कांकू का। तो अभी इधर से मुझे अपना एक्शन कैमरा को भी लगाना है हेलमेट में। तो ये जो एक्शन कैमरा है एस जे कैम लेजेंड 6, तो वो मेरे लिए ठीक ठाक कैमरा है। मेरे फ्यूचर में शायद GoPro में चला जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है भाई, मैं कम बजट में करना है मुझे, राइडिंग भी करना है, इतना एक्सरसाइज करके इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं इससे ही करता हूँ। तो आई होप आप सब लोग को अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग। तो और क्या, बस आप लोग का प्यार मिलेगा बस है। देखो क्वालिटी में थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, लेकिन मेहनत से करता तो हूँ आपके लिए, तो उसमें थोड़ा सा प्यार दे देना बस, और क्या चाहिए, ठीक है? तो मेरा ये जो हेलमेट है LS2, मैंने इसके बारे में आप लोगों से कभी बात नहीं किया, ये रहा LS2। इसका 10 ईयर्स हो चुका है, 2010 में मैंने इसको लिया था, तब इसका मार्केट प्राइस था 5600। तो वो लिया था, तो अभी भी चल रहा है। ये देखिए फिशिंग करने के लिए, नहीं भाई ये सेल्फी स्टिक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू माय चैनल बाइक वाले राइडर। तो आज हम लोग मानस से रिटर्न आ रहे हैं गुवाहाटी। हाय, तो अभी हम लोग आए एक ढाबे पे। तो हम लोग का सब बाइक यहाँ पे पार्किंग किया हुआ है। ढाबे का नाम आप देख सकते हैं, मॉडर्न कम ढाबा। तो इसमें हम लोग आए हैं अभी। काफ़ी अच्छा सेटअप है इस ढाबे का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आने के बाद। थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा केबिन जैसा बना हुआ है बांस से, और काफ़ी मतलब अच्छा है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं छोटा सा शिव जी का मंदिर, ओम नमः शिवाय। और ये हाँ, हम आपको मंदिर देखे जा रहा हूँ। ये कैब ये रहा हम लोग का केबिन, देख सकते हैं दीपेश यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं सेटअप। देखता हूँ खाना कैसा होता है यहाँ पे, बाकी तो ठीक ठाक है, अच्छा ही लगा। तो वैसा हम लोगों ने खाना खा लिया पेट भर के, और खाना उतना अच्छा नहीं था। मानस का खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पे मतलब सोसो टाइप का था, इतना खास नहीं। लेकिन खाना वाना खा लिया, अभी गुवाहाटी के लिए जा रहे हैं। और शाम तो होने ही वाला है, कुछ देर बाद शाम हो जाएगा। यहाँ का सबसे बढ़िया लगा मुझे तो जो रास्ता इतना अच्छा है ना, क्या बोलो। मतलब आप 5 नंबर या 6 नंबर में लगाइए और चलाते रहिए। तो व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने देखा एनएस वर्सेस डोमिनार, तो आप लोगों को कैसा लगा? तो पुष्पा ने काफ़ी ट्राई किया और मैंने पुष्पा जी के साथ काफ़ी दबाया, जीपीएस साइड से निकल गया। जीपीएस के साथ भी करने वाला नहीं, क्योंकि जीपीएस को जीपीएस ही है। तो ये राइड हम लोग के लिए काफ़ी मेमोरेबल रहा, क्योंकि काफ़ी 4 दिन का राइड था और पहली बार फीचर एस्टिमेटिस की ओर से हम लोग राइड कर रहे थे ऑप्शन राइड। तो बहुत ही मज़ा आया, मानस में तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, मुझे इतना अच्छा लगा, सब लोग को बहुत अच्छा लगा। सबसे मतलब जो मेन चीज़ मैं आप लोग को बोलने वाला हूँ, जो हम लोग का राइडर है पुष्पेंदु, उसने कम से कम चाय कितना बार पिया, 10 से 12 बार चाय पिया, क्योंकि वहाँ पे ठंडी खूब ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पे। तो पुष्पेंदु को चाय चाहिए था और हमेशा वो बोला था, मतलब चाय के लिए बोलता था, और जितना बार उसने चाय मांगा उतना बार उसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चाय मिला, और तब यहाँ पे चाय का कोई चार्जेस नहीं लिया। फाइनली वी रीच गुवाहाटी। तो अभी हम लोग जाएंगे फ्लैट पे, जो कांकू का काका का फ्लैट है, तो वहाँ पे जाएंगे। सुना हूँ फ्लैट का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, और 8th फ्लोर में है शायद फ्लैट, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। तो मैं आपको नाइट व्यू ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ से। तो अभी फ्लैट में जाऊंगा, और टायर तो फील नहीं हो रहा है। तो ये रहा फ्लैट, ये देख सकते हैं आप फ्लैट। तो इसमें हम लोग रुकेंगे आज रात को, फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे सिलचर के लिए। तो मानस का राइड तो बहुत ही बढ़िया गया, लेकिन एक चीज़ हम लोग को मिस हो गया, टाइगर। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज डे 4 है, तो हम लोग अभी वापस जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे, तो काफ़ी अच्छा फ्लैट है। तो मैं आपको फ्लैट देखा रहा हूँ अभी कैसा है। तो ये रहा फ्लैट, देख सकते हैं कितना बढ़िया रूम है, और
हम लोग का पैकिंग लगभग हो ही चुका है, तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। लाइट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये रहा सिटिंग रूम, आप देख सकते हो, ये रहा सिटिंग रूम, बहुत ही बढ़िया। ये रहा डाइनिंग टेबल, देख सकते हो, एक क्लास क्वालिटी का है। और यहाँ पे कुछ मतलब शॉप भी से मैं आपको देख रहा हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया। और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये क्या है भाई, क्या डेंजर है। जो मतलब एवेंजर में आप लोगों ने देखा ना, क्या थोर जो यूज करता था, ऐसा ही है चीज, तो काफी मजेदार चीज है। तो अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी से। तो मेरा बैग का भी पैकिंग वगैरह हो चुका है, तो आगे जाके वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा ही, टेंशन नहीं, रास्ते मेरा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो चलिए, डे 4 लास्ट डे। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल बाइक वाले राइडर। आज फाइनल डे है और हम लोग सिलचर वापस जा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। मेरा जितना भी एक्शन कैमरा था, किसी का बैटरी मैंने चार्ज नहीं किया, तो बैटरी है नहीं। तो अभी सोनापुर में है हम लोग, और सिलचर पहुँच नहीं पाले, बैटरी तो चार्ज है नहीं मेरा। मैंने पहले ही बोला आपको, नाइट राइडिंग स्टार्ट हो चुका है, हिल से रास्ता भी देख सकते, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, घर तो जाना ही है हम लोग को जल्दी जल्दी। यार देखो 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 क्या फिर से ट्रैफिक जाम, ये ट्रैफिक जाम तो हमेशा ही मेरा दिमाग खराब कर देता है। मेघालय रोड में जब भी ट्रैक का लाइन लगता था तो दिमाग खराब हो जाता है मेरे को। तो फाइनली हम लोग फिल्टर पे पहुंच चुके हैं, अभी घर में जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा राइड रहा आज, 4 दिन का राइड, 1000 किलोमीटर लगभग, अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है 1000 होने में। मेरा घर से जाने में 4 किलोमीटर हो ही जाएगा। अभी हमें फिल्टर के रामनगर एरिया में हूँ, तो फिल्टर पहुँचते पहुँचते 1000 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी खुश हूँ क्योंकि हम लोग का पहला राइड था एसएस पार्क का, सिलचर एक्सट्रीम रोडिस का, और सक्सेसफुली 1000 किलोमीटर राइड हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये तो बात शुरुआत है, और भी बड़ा बड़ा राइड होने वाला है, काफ़ी प्लान है। शायद 21 में तवांग का भी प्लान है हम लोग का, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 21 में। बहुत ही अच्छा राइड रहा, सब कुछ ही बढ़िया रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, तो बहुत बढ़िया राइड हुआ। और चलो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी दिया हुआ है, तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, तो मैं फॉलो बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।